हिमालय पर बसी एक छोटी सी कंट्री जिसने अपने दरवाजे 1970 में जाके खोले थे, और इतना ही नहीं, आज भी ये वर्ल्ड की वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री कहलाती है। पर कैसे और क्यों, ये जानने के लिए मैं निकल पड़ी थी इस बार अपनी वर्को कंपस की फैमिली के साथ भूटान की तरफ। अगर आप भी भूटान बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से सिलीगुड़ी या फ्लाइट से बागडोगरा पहुंच सकते हैं। एंड यहां से हम लोगों ने इनोवा कर ली थी जो हमें 4000 रुपीस की पड़ी थी, एंड ये हमें लेके जाने वाली थी फूशोन लिंक की तरफ। सो इस ट्रिप पे मेरे साथ होने वाला है अनाद, दीपू, शिखर, हेलो, एंड रोहन एंड सहज होरी। अरे 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 After a long 3.5 hour ride from Bagdogra, we have reached the border of Bhutan. And यहाँ पर अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने पूरे ग्रुप से। And we have hello Ajinkya, Deepak, Varsha. Hi Aman. So we are super excited for this trip. अब हम निकल रहे हैं and we'll cross the border of Bhutan. And अब मैं दिखाती हूँ क्या border process होता है, कैसे आप अपना immigration and visa का requirement नहीं होता है, तो I'll show out the full details. तो भैया ने हमें briefing दे दी थी आगे की trip के लिए, और हम अपना सामान innova से निकाल कर ready हो गए थे border cross करने के लिए। तो जैसे ही आप border gate की तरफ जाएंगे, आपको सबसे पहले अपना सामान scan करना है, अपना passport देना है, SDF charges and guide charges देने हैं, अपनी hotel की itinerary बतानी है, and you are all set. So we have finally reached Bhutan. ये था Bhutan border. Basically gates थे जो हमने immigration के through cross किया. बहुत ही simple था, खाली आपको अपना payment देना है and सारी information fill करनी है. Travel insurance के लिए आपको अपना nominee and all details पूछी जाएगी. मैं आपको proper details बता दूंगी क्या क्या documents की requirement होते हैं in order to enter Bhutan. आप अपना passport या voter ID दोनों use कर सकते हैं. अब हम यहाँ से जाने वाले हैं फर्स्ट स्टे जो हमारा है थिम्पू में. यहाँ से 5-5.5 घंटे की ड्राइव है एंड हमारी बस बहुत कूल है. पहली बार ग्रुप ट्रिप हो रहा है, लिटिल बिट स्केर्ड बट आई होप ये ट्रिप अच्छी जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी नाउ. वेलकम. हेलो भैया. तो ये भैया हमारे साथ अगले 6 दिन होने वाले हैं एंड हम इस बस में जाने वाले हैं एंड ही विल बी ड्राइविंग. तो अभी हम थिम्पू की तरफ जा रहे हैं, हमने लिया एक छोटा सा स्टॉप एंड बहुत ही अच्छी सी वाइब्स है, बहुत ही होम स्टे जैसा लग रहा है ये पूरा कैफ़े. एंड लोग बहुत स्वीट है, बहुत ही स्माइल के साथ, एक वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ दे आर वेलकमिंग अस. फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ भूटान बहुत ही अच्छा रहा है एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर विद अ ग्रुप वो वैसे भी डबल हो जाता है. बेसिकली माई भूटान ट्रिप इज़ मैनेज्ड बाई द ट्रैवलर ट्रेल्स एंड वी हैव दोरजी भैया विद अस. हेलो टोकपा भैया विद अस. एंड भैया वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर द ट्रिप. आई होप यू गाइस आर आल्सो. यूहू. इट वाज अ लॉन्ग एंड टायरिंग राइड एंड वी रीच्ड थिम्पू बाय 1 AM. आई सॉ न्यू कलर्स इन योर आईज. तो थिम्पू में हमारा स्टे था होटल उगियन में, जो काफ़ी डिसेंट था इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रूम साइज एंड फूड. ठंड में. Let's head towards the first point of our day. We saw new colors on the sea. The tide drew us into a dream. As stars set fires across the deep, your eyes lit up the depths. So we have reached the first spot of Thimphu, which is Buddha Dharmena. So basically ये one of the biggest Buddha statue है and इसके नीचे proper 3-story temple बना हुआ है. उसमें से एक temple you can visit right now and ये पूरा statue bronze का बना हुआ है.
The moment I saw the jaw-dropping Buddha statue, man, I was just mesmerized. The majestic Shakyamuni statue was built to celebrate the 60th anniversary of the fourth king and bless the world with peace and happiness. When was it built? Like, actually, the initial construction was started by year 2016, and then it's projected to complete within 10 years, but there's some lapses, and then we can see it's still under construction. Okay. Okay, the temple is not yet ready, but the statue is proper ready. Yes, the statue. The entry fees of this Buddha statue is 1000 rupees. So, aap us gate se andar jaise enter karte ho, you have to pay for it. And best part hai ki agar aap ek baar pay kar rahe ho, within a day you can visit twice as well. So, we are at our second point of Thimphu, and this is a paper factory basically, and let me show you this place. And bhaiya ne hame bataya ki kaise daphne and dhikap tree se paper bana jata hai. So we use the bark of that plant. The trees will be at a height of 11 meters. It's not very big, yeah. So we just have to cut the plant and then strip off the bark. Mm-hmm. And it's a very fast growing plant. So if you harvest this year, you can harvest another for the next year. So it's a kind of a very fast growing plant. So it's a very sustainable. Mm-hmm. So we use the bark, so that's the fine fiber. Then we put into a Hollander beater where we crush it, mash it up into a pulp. Mm-hmm. So it's kind of a grinding machine. If you want to learn or see how authentic Bhutanese paper is made, then this place is for you. This entire process is done with traditional procedures practiced since ages. So, अब हम जाने वाले हैं भूटान का authentic local cuisine try करने. एंड बेसिकली बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे भैया हमें लाए हैं, जहाँ पे यूजुअली मेन्यू बहुत सेट है. उनके पास दो ही टाइप के मेन्यू हैं, ट्रेडिशनल मेन्यू 550 रुपीस का और एक 350 में, अनलिमिटेड डिशेस है. वाइब बहुत अच्छी है इसकी एंट्री की, और पूरी सारा ग्रुप साथ में बैठता है. एंड लुक एट दिस क्यूट कैट. Emma Dachi was our favorite dish. I mean, this was the perfect taste and spice we wanted in our food. So what do you think? Kaisa tha khana? Genuine review. It was good Bhutanese khana. Good Bhutanese khana, yeah. Thoda acquired taste hai, I guess. It was quite sumptuous, cheesy, but filling. And I think it's worth trying. Yeah, at least once you should try this food, right? So if you're not used to non-subcontinental food. Yeah. Yeah, you might find it difficult. Yeah. But if you are into French, yeah, for South Asian, you will like it. Yeah, definitely. And the best was chili cheese. Yes, I which loved we it. Chili beans. Yeah, and we were eating amazing. Like beans. Yeah, it was amazing. Umang, what about you? You liked it? I loved the cheese. Yeah. Cheese, I think that was our favorite dish. Yeah. But pancake mein they should have put some syrup. Otherwise, ठीक है. Yeah. For Canadians. Yeah. And यहाँ के pancakes. We were expecting it like a dessert, but actually buckwheat pancakes are very simple pancakes जिनमें मीठा ना अंदर उस आटे में होता है, ना ही they put any kind of syrup. It's bland in taste. So you usually eat it with the vegetables. But Bhutan आके एक बार तो authentic खाना ज़रूर बनता है, so I'll definitely recommend this place. अगर आप भूटान से इंडिया पोस्टकार्ड सेंड करना चाहते हैं या अपना पर्सनलाइज्ड स्टैम्प बनाना चाहते हैं, so we have reached the post office. तो आप यहाँ के पोस्ट ऑफिस आकर ये दोनों चीजें कर सकते हैं. थिम्फू बीइंग द कैपिटल सिटी वाज क्वाइट डिफरेंट. इसी के साथ साथ आप बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल मेमोरियल चोटन, या फिर आप तक इन रिजर्व भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ का नेशनल एनिमल देखने को मिलेगा. क्योंकि टाइम सिर्फ एक ही दिन का था थिम्फू में, हमने ये सारी जगह स्किप करके भैया को बोला कि ज़रा व्यू पॉइंट लेके चलो, एंड वी वांटेड टू सोप द सनसेट
at this beautiful point in Thimphu. यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मार्केट की बहुत बड़ी लेन है जो आपको मेन सिटी सेंटर पे मिल जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, एज कम्पेयर टू द वैरायटी इन प्राइस, आई विल से कि आप यहीं से शॉपिंग कर लीजिए. अगर आप कैफे हॉपिंग करना पसंद करते हैं तो Thimphu won't disappoint you. अभी हम जा रहे हैं बिन कैफे की तरफ एंड लेट्स सी हाउ इज दिस कैफे. Standing on the bus stop, trying not to feel cold. Going into the first grade and neither knew school. I am only 8 years old and I just lost my friends. All the way back in Florida for these halls of mountains. इसी के साथ व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. हम मिलते हैं भूटान के नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही. तब तक के लिए टेक केयर.